होती है, इसको बार बार चेक करना पड़ता है। ये देखो, ये नीचे भी, ये देखो, ये सुडोकू बना के ऐसे ये छुपा था के परसों गया था। ऐसे खा लेती हूँ फटाफट से, कैसा हो रहा है टेस्ट करते हैं। मेरे ना अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, बहुत कम है सब्सक्राइबर। आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा हो करके ना, और जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशी होती है कि हाँ। तो फ्रेंड, अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ टेलर को ब्लाउज देने के लिए, तो फटाफट से तैयार हो गए, और 3:30 हो रहा है अभी, तो हम लोग जल्दी निकल रहे हैं ताकि जल्दी से वापस आ जाए। तो मुझे लगा कि मास्क लगा लेती हूँ वापस, कोविड केस हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड और मैं निकल गए हैं घर से बाहर, और अभी हम लोग आज ऐसे ही पैदल ही जाएंगे, वॉक करते हुए ही जाएंगे। जो भी हमारा काम है हम वॉक पे ही निपटाएंगे, क्योंकि हमेशा ही गाड़ी ऑटो, इससे तो अच्छा कि कभी कभी मार्केटिंग करनी है तो वॉक करने से भी काफ़ी अच्छा रहता है, वॉक भी हो जाती है। तो सबसे पहले मेरी फ्रेंड को यहाँ पे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए ये फ्रेम लेना था, तो हम अपने ही किसी नेबर की सोसाइटी के अंदर ही थे ये हमारे। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, देखिए बहुत अच्छी अच्छी हमने ड्राइंग की हुई थी, पेंटिंग्स की हुई थी। तो यहाँ पर से हमने ये पेंटिंग एक ली और ये दिखा रहे थे, उन्होंने और भी बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी। ये देखिए स्वास्तिक वाली, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल ये पेंटिंग थी। तो ये हमने यहाँ से एक पेंटिंग ये ली, देखिए इस तरीके से ये एडजस्ट कर रही है यहाँ पे। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि इस फ्रेम को हम कैसे करके डिज़ाइन करें। तो ये देखो, हमने यहीं पे हमारे सामने ही इसको ड्राइंग करके रखा हुआ था पेंटिंग को, और बस फ्रेम के अंदर इसको लगा दिया। तो ये हमने यहाँ से ले लिया था, और फिर हम घर से बाहर निकले थे। उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था अपने घर के बाहर, ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है घर के बाहर से, बहुत खूबसूरत थी। ये वाला जो ब्लॉक है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर ही, हम दूसरे ब्लॉक में आए हैं देखिए। तो बस ये हम लोग यहाँ से चले गए, तो हम उसके बाद फिर हम यहाँ से स्पेंसर गए मॉल, ये भी हमारे घर के पास में ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस में था। यहाँ से भी हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करी, थोड़ा सामान हम लोगों ने यहाँ से भी लिया। यही था कि आज थोड़ा सा आउटिंग मेरी फ्रेंड और मेरा, बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग साथ में मार्केटिंग के लिए आए थे। पहले तो ये था कि जब लॉकडाउन था हम लोग हमेशा ही चले जाते थे वीकेंड में, अपने वॉकिंग डिस्टेंस की जो भी मार्केट थी मार्केटिंग कर लेते थे। तो आज ना हम बहुत टाइम के बाद मिले थे, और बहुत टाइम के बाद हम शॉपिंग पे गए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे, हमको ब्लाउज देने थे, अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमें ब्लाउजेस देने थे। तो यहाँ पे मैं भी गई थी देखने के लिए कि ये कैसे सिलते हैं। तो बस ये मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे 3-4 अपने ब्लाउज दिए, तो यहाँ पे नाप ले रहा है। और देखिए ये भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, अपने घर के अंदर ही टेलर की शॉप खोली हुई थी जो मैडम है इन्होंने, और बहुत अच्छा था यहाँ पे, ये लड़के रखे हुए हैं काम के लिए। तो बस ये नाप लेती हैं, कपड़ा लेती हैं, बाकी सिलते ये लोग हैं, बहुत अच्छा था ये भी। तो बस यहाँ से हम लोग निकल के आ गए, तो देखिए ये इन्होंने इस तरीके से अपने घर पे जो एक सर्वेंट रूम था ना, वहाँ पे इन्होंने शॉप खोली हुई थी, ये देखिए। प्रिया आपका मैंने इतना सारा रिकॉर्डिंग कर दी यूट्यूब में, बिहार की लिफ्ट कितना कंजूसी क्यों, क्या होगा इन लोगों ने ये लिफ्ट बनाने के लिए ना, कितना छोटा सा लिफ्ट है। तो ये हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, काम हमारा सारा खत्म हो गया, अब सीधे घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर पे, हम लोग घर पे आके मैंने चेंज कर लिया, और अभी टाइम भी हो गया, अभी 8 बज रहे हैं घड़ी पे, शाम को आने के बाद फिर मैंने चाय वाय पी घर पे आने के बाद। तो बस अभी ना मैंने थोड़ा सा सिर पे तेल लगाया है, ऑयलिंग करी, बहुत दिनों के बाद सिर पे तेल लगाया। और अभी हम लोग थोड़ा सा जब बाहर निकले थे ना, तो उस टाइम बहुत तेज़ धूप थी, तो शायद उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा सा सिर में दर्द होने लग गया था। तो बस मैंने फिर तेल लगाया, और देखो अभी मैं कैसे दिख रही हूँ ना, तेल लगाने के बाद सडनली चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बस ये मैं अभी तेल लगा के बैठी हुई हूँ, और डिनर का भी प्लान करते हैं, डिनर करते हैं, तो फिर मैं आपसे भी थोड़ी देर पे मिलती हूँ। और हाँ, अभी मैं हम लोग ना कचौड़ी और समोसे लेके आए हुए हैं मार्केट से, तो वो मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। गरम गरम समोसे और कचौड़ी आज मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग समोसे खा रहे हैं। कभी कभी बहुत मन करता है समोसे खाने का, इनकल भी ले आते हैं तो जरा। ये है कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी, ये मैं निकाल देती हूँ। ये आज शाम का हमारा स्नैक्स, इसे बाहर निकालो। और क्या है इसके अंदर, गरम गरम समोसे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम
लोग समोसे और कचौड़ी खा रहे हैं। वैसे वाओ, तो बहुत गर्म है। और ये है चटनी, खट्टी मीठी चटनी, इसको मैं अभी खाली करती हूँ। और ये है हरी चटनी, और इतनी सारी टमाटो सॉस के पैकेट, इतनी सारे टमाटो सॉस के पैकेट है ये, इतनी सारी चटनी भी दे रखी है। मेरी रेसिपीज में काम आ जाएगी ये। तो मैं यहाँ पे चटनी भी खाली कर लेती हूँ फटाफट से। चटनी इस पे हम लोग खाली कर देते हैं, रेड वाली खट्टी मीठी चटनी। वैसे हम लोग रोज नहीं खाते हैं, हम लोग कभी कभी ये चीजें खाते हैं। रोज ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा भी ये हेल्दी नहीं होती है चीजें खानी, लेकिन कभी कभी तो लगता है ना अपनी डाइट को स्किप कर सकते हैं हम लोग भी। तो ये मैंने यहाँ पे ये रेड चटनी खाली कर दी है, अब मैं ये ग्रीन वाली चटनी खाली कर रही हूँ। तो ये ग्रीन चटनी भी मैंने इसकी खाली कर दी। अब मैं इसको बोल रही हूँ मेरा रिकॉर्डिंग करो, और ये वहाँ उस पर नजर है इसकी टीवी के अंदर। बताओ यहाँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एशिया कप फाइनल। चलो ये मैंने खाली कर दिया है, और हम लोग फटाफट से इसको खा लेते हैं। तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, एक समोसा और एक कचौरी, देखते हैं वो कितना खाते हैं। और ये उनको चटनी सर्व कर दी है, ये लो आप ले लो। समोसा एक कचौड़ी मैंने लिया है, एक समोसा एक कचौड़ी आदि ने लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने अपने बंटवारा कर लिया है। हस्बैंड सिर्फ एक ही वो कचौड़ी ले रहे हैं, उन्होंने समोसा खाने से मना कर दिया। वो समोसा भी हम दोनों जने बाद में बांट लेंगे। तो बस मैं इसे खा लेती हूँ फटाफट से, कैसा हो रहा है टेस्ट करते हैं। अच्छा हो रहा, बहुत टेस्टी हो रहा है। बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं समोसा, मजा आ गया। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एक कचौड़ी तोड़ी, अच्छी लगी नो डाउट, बट मसाला देखिए इतना सही मसाला है। ये प्याज की कचौड़ी है, देखने से कितनी बड़ी बड़ी कचौड़ी है, और अंदर जब खोलो तो ऐसे छोटी सी निकल रही है। ये प्याज की है, टेस्टी हो रही है, और ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाले हैं, मजेदार बनी। मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए, और यहाँ पे ये आदि के अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो ये कर रहा है पढ़ाई। तो ये इसका स्टडी टेबल देखिए कैसा इसने बनाया हुआ है, कि जैसे कितना पढ़ाकू होगा, पूरी कॉपी किताबें पता नहीं क्या क्या इसने फैला के रखी हुई है। और पता है ये अभी तक ना सुडोको गेम खेल रहा था, जैसे ये आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए ये गेम खेल रहा था। जैसे ही मैं इसके रूम पे आई ना, तो फटाफट ये अपना पेपर सॉल्व करने लग गया। ये देखो ये अभी ये ना इसकी यही हालत होती है, इसको बार बार चेक करना पड़ता है। ये देखो ये नीचे भी, ये देखो ये इसने सुडोको बना के ऐसे छुपा के, ये छुपा के ऐसे खेल रहा है। और तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, सीरियसली पढ़ लो 11:30-12 बजे तक, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है। मैं चली सोने के लिए, ठीक है, मैं बाद में बीच में चेक करती रहूंगी। तो फ्रेंड, समोसे कचौड़ी की पार्टी हमारी ख़त्म हो गई है। आज हमारा बहुत दिनों के बाद समोसे कचौड़ी का पार्टी था। तो फिर मैंने तो खा लिया, समोसे कचौड़ी खाया, लेकिन अब मेरा बहुत ज़्यादा पेट भर गया, और मेरा अभी हिम्मत नहीं है कि मैं डिनर करूं। और ज़रूरी नहीं है कि हमने ये सब चीज़ें खाने के बाद डिनर करें, तो इससे क्या होता है कि मोटापा बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि समोसा खाना एक साथ मैं नहीं खाती हूँ जनरली। अगर मैं शाम को इवनिंग में कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ, तो मैं रात को फिर अपना डिनर स्किप कर लेती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैंने सब्जी बना ली थी पहले ही, तो और रोटियाँ उनको बना के दे दी। उन्होंने भी सिंपल सी रोटी और सब्जी ही खाई, क्योंकि एक कचौड़ी उन्होंने भी खाई थी। तो बस रात हो चुकी है, और मैं अब जाती हूँ थोड़ी देर अपने फ़ोन पे ये वीडियो एडिट करती हूँ। पता नहीं कब तक कर पाऊँगी, क्योंकि इतना सारा काम होता है ना मेरे पास, क्योंकि मेरे एक और चैनल है कुकिंग का, तो मुझे वहाँ पर अपनी रेसिपीज़ भी बनानी होती है और डालनी होती है। तो इसीलिए मैं ना ब्लॉगिंग में थोड़ा सा लेट हूँ, ब्लॉगिंग थोड़ा कम ही हो पाती है, क्योंकि रेसिपीज़ भी डालनी है, ये भी डालना है, दो काम नहीं हो पाता। तो ये मैंने ऐसे शुरू किया है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग कैसे लगते हैं। बहुत मेहनत लगती है मेरे, ना अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है सब्सक्राइबर, लेकिन मैं हर दिन पता है रोज़ चेक करती हूँ अपने इसमें जाके, चैनल पर जाके, कि क्या काश आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा हो करके ना। और जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशी होती है कि हाँ कम से कम हमें इतने लोग जानते तो हैं, इतने लोग हमें
देख रहे हैं, इससे बहुत खुशी मिलती है। मुझे नहीं पता जो भी मेरे सब्सक्राइबर अभी है तो बहुत कम, लेकिन जो भी हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब लोग मेरे फ्रेंड हैं और ये लोग मुझे देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अच्छा ये ना, अगर हमारे इस छोटे से सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से या कमेंट करने से किसी को खुशी मिलती है तो हमें इसी तरीके से खुशी बांटते ही रहनी चाहिए। मतलब ये एक अनदेखा है, मुझे नहीं पता आप कौन है मेरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस फ्रेंड्स यही कहना था, आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। और मुझे पता नहीं है ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। बस मुझे कुकिंग चैनल मेरा है, उस पर मैं वीडियोस डालती हूँ, तो मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको हमारी कुमाऊँगी रेसिपीज़ या कोई भी रेसिपीज़ देखनी है आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं बहुत ईजी तरीके से अपनी रेसिपीज़ को डालती हूँ, कम तेल कम मसाले में बहुत टेस्टी रेसिपी डालती हूँ। सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर जाएँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बस फ्रेंड मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा मैंने अभी भाषण दे दिया है, भाषण नहीं था, बस आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करनी थी, वो मैंने शेयर करी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। देखो मैं बार बार कितने बार इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ ना, पता बोलते बोलते पता ही नहीं चलता कि हम एक बार 10 बात रिपीट कर लेते हैं एक बार में। और मुझे तो वैसे भी पता नहीं चलता कि मैं पता नहीं एक बार शब्द को कितने बार रिपीट करती हूँ, मुझे नहीं पता चलता है। तो ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मुझे खुशी होगी अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।